हाय गोविंद, हाउ आर यू? बिल्कुल बढ़िया सर। चलो आपको मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। आपके पैसे मैंने कंपनी में डिपॉजिट करा दिए थे, तो मैंने कहा था चलो मिलके एक चाय पी लेते हैं, क्योंकि हमने इतना बड़ा बिजनेस शुरू किया है, तो थोड़ी डिस्कशन हो जाएगी एक चाय के ऊपर कि हम क्या क्या कर सकते हैं, कितना अच्छा कर सकते हैं, कितने कम समय में कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। देखो कुलदीप, आपने भी पहले बहुत सारी कंपनी में बारे में देखा होगा, सुना होगा, हो सकता है आपने पहले भी कहीं पैसे लगाए नहीं लगाए, मुझे नहीं पता, लेकिन आपने ये भी देखा होगा इसमें कुछ ही लोग कामयाब हो पाते हैं, ज्यादातर लोग यहाँ कामयाब नहीं होते। पैसे लगा देने से इंसान सक्सेस नहीं होता, एडमिशन लेने से इंसान सक्सेस नहीं होता, उस काम को किस ढंग से करा जाए तो इंसान सक्सेस होता है। कुलदीप, आपने काम तो चुना है 70 करोड़ का, लेकिन आप चाहो तो 7 रुपए भी नहीं कमाओ, और आप चाहो तो 7 करोड़ भी कमाओ, और आप चाहो तो 70 करोड़ भी कमा सकते हो। लेकिन पहले उससे मुझे कुछ भी बात करने से पहले, पहली बात जो बात मैं करने जा रहा हूँ, आप ऐसे आदमी हो नहीं, लेकिन एक बार आपको आज अपने आप को थोड़ा और रिफाइन करना होगा तो और बेटर होगा, हम एक अच्छा काम कर पाएंगे। क्योंकि मुझे पहले आपसे ये पूछना होगा कि आप किस कैटेगरी में आते हो। दुनिया में 3 तरह की कैटेगरी होती है। एक व्यक्ति होता है जो जीवन को एडजस्ट कर लेता है, आपने पैसे लगा दिए, क्या पता सिर्फ प्रोडक्ट ही खरीदना चाहते हो और आज भी वो एडजस्टमेंट की आदत आपके दिमाग से ना निकले, तो फिर क्या होगा, जब एडजस्टमेंट ही आपको करना आता है तो आगे आप पैसे कमाने की आपको जरूरत नहीं है। तो एडजस्टमेंट का मतलब होता है जैसे एक भिखारी होता है, उसे मकान की जरूरत नहीं है, दुकान की जरूरत नहीं है, साइकिल की जरूरत नहीं है। इंसान अपनी जिंदगी को एडजस्टमेंट 5,000 में भी कर सकता है, 10,000 में भी कर सकता है, 50,000 में भी कर सकता है। तो सर, सबसे पहली बात तो आप भूखे नंगे नहीं हो, रोटी पानी घर मकान दुकान भगवान ने सब दिया, जिंदगी तो चल रही है। लेकिन अगर आप एडजस्टमेंट की कैटेगरी में, तो और पैसा क्यों चाहिए? नहीं चाहिए, शायद आप नहीं कमा पाओगे, क्योंकि आपको एडजस्ट करना आता है ना, तो आप कमा पाओगे नहीं चाहे मैं कितनी कोशिश करूं। एक कैटेगरी ये होती है। दूसरी कैटेगरी दुनिया में ये होती है कि एक इंसान अपने जीवन को संतुष्ट कर लेता है, 20-30-50 हज़ार जो वो अपने जीवन में सोचता है, जो मुझे उसे मिल जाता है, मुझे पुलिस की नौकरी करनी है, फौज की नौकरी करनी है, मुझे 2 महीने के 50 हज़ार आ गए तो मेरे लिए बहुत है, और वो अगर उसे आ जाते हैं तो वही रुक जाता है, थम जाता है, बोला इससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए, है कि नहीं? तो क्या पता आप संतुष्ट तो नहीं है। अब तीसरी कैटेगरी होती है विजनरी बंदे की, जो जीवन में कुछ करना चाहता है अपने लिए भी और अपनों के लिए भी। लेकिन ये विजनरी बंदा होता कौन सा है? जिसके पास कुछ इमोशंस होते हैं, जिसके अंदर कुछ भावनाएं होती हैं, जो अपने लिए नहीं अपनों के लिए जीना चाहता है, और वो व्यक्ति वो होता है जो जीवन में हर दिन आगे बढ़ना चाहता है और कुछ बड़ा करना चाहता है, सिर्फ पैसे के लिए नहीं, इमोशंस के लिए। तो आप किस कैटेगरी में आते हो ना, पहले मुझे बताओ, क्या आप एडजस्टमेंट कर सकते हो या आप संतुष्ट हो चुके हो जिंदगी से? तो शायद आपको और मेरा कुछ काम बनने वाला नहीं, पैसे चले गए, प्रोडक्ट आ जाएंगे, प्रोडक्ट रखना, खाना पीना मजे लेना। कौन सी कैटेगरी में आते हो, कुछ करना चाहते हो? यस सर। तो मैं आगे बात करूं सर, तभी हमारा मजा आएगा इस चाय को साथ पीने का। देखो सर, करना चाहते हो तो सबसे पहले ये समझो कि आप क्या करना चाहते हो और क्यों करना चाहते हो। आखिर पैसे की जरूरत आपको क्या पड़ गई और क्या पड़ने वाली है? तो पहले सर मैं आज आपको पैसे की परिभाषा बताऊंगा। सर पैसे ना इंसान खाता नहीं है, पहनता नहीं है, एक कहावत है, मनी इज अ टूल टू एक्सप्रेस योर इमोशंस। पैसा सिर्फ अपनी चाहतों को पूरी करने का एक माध्यम मात्र है, और ऐसी बहुत सी चाहते होती हैं, ऐसे बहुत से इमोशंस होते हैं जो हमारी जिंदगी में हम पूरे नहीं कर पाए थे, तभी तो हमने ये नया रास्ता चुना, तभी तो हमने यहाँ पैसे दिए, कि पक्का कुछ ना कुछ वो पीड़ा, कुछ ना कुछ वो तड़प है, कहीं ना कहीं वो कुछ परिस्थितियां हैं जिन्हें हम दोबारा जीवन में देखना नहीं चाहते, उन्हें सुधारना चाहते हैं। तो परिस्थितियां क्या क्या हो सकता है? आपके बच्चा अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ रहा, आप पढ़ाना चाहते हो सकता है, आपकी लड़की जवान हो रही है, इसके आप अच्छे घर में शादी कर सकते हो सकता है, आप किराए के मकान में रहते हो, आप मकान मालिक, अपने मकान के मालिक बन सकते हो सकता है, आप मोटरसाइकिल पे चलते हो, आपका दिल करता है मैं अपने बच्चों को कार में लेके जाऊं, ये क्या है? आपकी चाहत है। लोग क्या करते हैं ना सर, जब लोग चाहतों के लिए काम करते हैं ना, तो लोग लालच का नाम दे देते, जो बहुत गलत है। हकीकत में ये चाहत है, बताओ सर, अपने बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ाना लालच या चाहत है? अपनी बेटी की शादी 1 करोड़ लगा के अच्छे घर में करना लालच या चाहते हैं? एक अच्छा घर बना के अपने परिवार को देना? तो पहली बात यह, क्या ऐसी कुछ चाहते हैं आपके पास? क्योंकि सर मैं आपसे काम आज के बाद नहीं करा पाऊंगा, ये चाहते आपसे काम कराएंगी और मैं आपका उस काम में साथ दूंगा। क्या ऐसी कोई चाहत है, कुछ है जो अभी तक पूरी नहीं हुई, जिन्हें आप करना चाहते हो? सर एक दो बताओ। सर जैसे अपनी गाड़ी लेनी है, अपना खुद का मकान बनाना है, अंदर से चाहते हैं जैसे, ये आपकी सफलता होगी, इसे ही सक्सेस कहते हैं। सक्सेस पैसा नहीं होता, अपनी चाहते पूरी करने इंसान की सक्सेस होती है। तो चलो, सबसे बड़ी खुशी मैं एक बार और हाथ मिलाऊंगा कि चलो आपके पास इमोशंस है, आप पत्थर दिल नहीं हो, आप एक अच्छे बाप, एक अच्छे पति, एक अच्छे बेटे हो, क्योंकि आपके पास आज भी भावनाएं हैं। लोग भावना लेस है, इसलिए तो जीवन में कुछ कर नहीं पाते, इमोशन लेस है लोग। ठीक है, तो चाहतों के लिए जीना होता है, तो चाहते हैं, अब बात करते हैं, अगर चाहते हैं तो काम होगा कैसे?
ये चाहतों को पूरी करने के रास्ते क्या थे आपके पास? आपके पास दो ही रास्ते थे, या तो जॉब कर लो या अपना बड़ा बिजनेस कर लो। जॉब करके क्या मिलता है? लिमिटेड इनकम मिलती है और कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी बंदिशों में जीनी पड़ती है। बिजनेस करके अनलिमिटेड इनकम मिलती है और अनलिमिटेड लाइफ होती है, मेरी मर्जी मेरी जिंदगी होती है। लेकिन बिजनेस इंसान क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि कहीं ना कहीं पांच नेगेटिव फैक्टर आते हैं तो उसको बिजनेस नहीं बनना। मैं नहीं बनने देते, क्योंकि बिजनेस का मतलब है सेल्स, बेचने का कोई काम शुरू करना, और काम शुरू करने के लिए पैसा लगता है, टाइम लगता है, मनी लगता है, टैलेंट लगता है, कॉम्पिटिशन है, रिस्क है। ये पांचों नेगेटिव फैक्टर इस दुनिया में एक आम आदमी इसलिए नहीं निकाल पाता। इसका सबसे बड़ा कारण बताऊंगा, अब मैं ध्यान से समझाता हूं, बहुत बड़ी एक बात समझाऊंगा। कोई भी बिजनेस शुरू करोगे सर पैसा लगेगा, बहुत सारा पैसा लगेगा। ये किसी के पास होता है, किसी के पास नहीं होता। दूसरा है पैसा है, उसके बाद रिस्क भी है। ये कोई ले सकता है और कोई नहीं ले सकता। चलो रिस्क ले लिया तो टैलेंट किसी में बेचने का होता है और किसी में नहीं होता। आदमी डर जाता है, यार मैं बेच ही नहीं सकता, पैसा भी लगा लूंगा, रिस्क भी ले लूंगा, बेच नहीं सकता। और चौथा कारण है इंसान कॉम्पिटिशन से डरता है। बड़े बड़े मगरमच्छ ऑलरेडी इस बिजनेस को पहले से कर रहे हैं, यार मुझे कोई करने देगा यार नहीं करने देगा। और पांचवा सबसे बड़ा जो कारण है सर, जो आपको कोई आज तक इन चाहतों को पूरा करने के लिए कोई दूसरा काम आप नहीं कर पाए, वो है टाइम। कि अगर आप कोई दूसरा काम शुरू करोगे तो सुबह 8 AM to 8 PM आपको टाइम देना पड़ेगा। मतलब आज क्या करते हो सर, थोड़ा बताओगे? कौन सी फैक्ट्री बता रहे थे? कितने पैसे कमाते हो? 15,000। मतलब वो बिजनेस कहता है पैसा भी लगा, रिस्क भी ले, बेचना भी सीख, कंपटीशन से भी लड़, और आज के बाद ये 15,000 का जॉब छोड़, क्योंकि मेरे को अगर करना है, मुझसे अगर कमाना है तो 8 बजे से शाम के 8 बजे तक टाइम भी दे। यहाँ फंसता है इंसान, इन चारों से तो पार निकल जाता है पर यहां से नहीं निकल पाता। क्योंकि सर 15,000 में आज आपकी बेसिक नीड्स पूरी होती है, और बेसिक नीड्स घर का आटा, घर की दाल, घर के चावल, बच्चों की फीस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो होता क्या, जब आप नया काम शुरू करते हो, काम आपसे टाइम मांगता है, टाइम आप दे नहीं सकते, पुराना काम छोड़ इसलिए नहीं सकते क्योंकि आपको डर लगता है कि घर का रहूं ना खाट का रहूं। इसलिए इंसान क्या करता है, कर सकता था, इनसे बाहर निकल सकता था, लेकिन फिर वापस टर मार जाता है कि नहीं, क्योंकि कोई भी धंधा पहले दिन पैसे नहीं देता, साल दो साल धंधे को लगता है सर जमने के लिए। तो 90% लोग को अभाव रह जाता है जीवन में कि वो अपना कोई काम शुरू करके अपने चाहतों को पूरा कर नहीं सकते। बस ये जो बिजनेस आपने किया है, इसकी खूबी क्या है, पैसे के नाम पे 8,950 दिए, रिस्क कोई है नहीं, प्रोटेक्ट आ जाएगा। टैलेंट मुझमें अपलाइनों में बहुत है, सेमिनार होता है, हम लोग बेचने का टैलेंट रखते हैं, सिर्फ आप गेस्ट लाओ, हम आपके लिए टैलेंट यूज करेंगे और आपके लोग आएंगे, कॉम्पिटिशन है नहीं। और टाइम सर, आप ड्यूटी से कब आते हो सर? 6 बजे डेली, 7 से 9 काम करेंगे, इससे ज्यादा काम करने की जरूरत है सिर्फ 2 घंटे। जब इन 15,000 को 1.5 लाख बना लेंगे तब 15,000 छोड़ देंगे। तो यही ऐसा दुनिया में एक काम है जो पांचों विपदाओं से, पांचों बीमारियों से, पांचों नेगेटिव फैक्टर से हमें बाहर निकाल के एक अच्छा बिजनेसमैन बना सकता है। क्लियर है सर? अब बात आती है सर, इस बिजनेस में ऐसा क्या है कि जो दूसरे बिजनेस में नहीं है? देखिए सर, इमोशंस को पूरा करने के लिए क्या चाहिए? इनकम है ना। इनकम का फॉर्मूला जानते हो सर क्या है? बता सकते हो? अकेले काम करेंगे तो इतना आएगा और ज्यादा लोग हमारे लिए काम करेंगे। इनकम का फॉर्मूला हिंदुस्तान की भाषा में क्या है कि भैया पैसे से पैसे आते हैं। कोई आदमी कहता है यार जिसके पास नॉलेज है, एजुकेशन है, वो पैसे कमाता है, और कोई आदमी कहता है दुनिया में हार्डवर्क से पैसे आते हैं। ये तीनों रूढ़ीवादी बातें हिंदुस्तान में, जिसे इंसान समझता है, जिसके पास बेचारे के पास ये नहीं है, सोचता है मैं तो पैसे कमा ही नहीं सकता। नहीं सर, ये तीनों चीजें गलत है। देखो मैं आपको साबित करता हूं, अगर पैसे से पैसे आते तो रात को पर्स में 2,000 रख के सोते, सुबह 4,000 क्यों नहीं होते? अगर एजुकेशन से पैसे आते तो दुनिया में प्रोफेसर से अमीर लोग क्यों नहीं बने? प्रोफेसर दुनिया का सबसे अमीर आदमी क्यों नहीं बना? और हार्डवर्क से पैसे आते तो मजदूर, रिक्शा वाला तो फिर बहुत पैसे वाले होते है ना। यस सर, प्रैक्टिकल है सर। तो सर आज ना थोड़ा हम ये समझते हैं ये इनकम का स्टीक फॉर्मूला क्या है, बोला एक पेन पॉइंट कि भाई अगर ये हो तो पैसे पैसा। स्टीक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं सर, इनकम का एक ही फॉर्मूला जो टाटा के लिए, बिरला के लिए, अंबानी के लिए, सबके लिए सेम है। इंक्रीज योर मैन पावर एंड इंक्रीज योर टाइम। टाटा बिरला पूरी दुनिया के लिए, सबके लिए यही एक फॉर्मूला है, इंक्रीज योर मैन पावर एंड इंक्रीज योर टाइम। अब देखिए सर, अपन थोड़ा डिस्कशन करेंगे। आप कौन सी फैक्ट्री में बता रहे नौकरी? आदिनाथ। आदिनाथ में सर, आपका सुबह उठते हैं, आपका दिन है 24 घंटे का, एक दिन आप अगर 8 घंटे या 10 घंटे किसी काम को करते, आप कमाते 20,000 रुपए।
अगर उस काम को आप सिर्फ 12 घंटे करते हैं तो कम कमाते हैं ज्यादा कमाते हैं? ज्यादा कमाते हैं। 25,000। 14 घंटे करेंगे तो 30,000, 16 घंटे करेंगे तो 40,000। कहने का मतलब कुलदीप जी, जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता जा रहा है ऐसे ऐसे पैसा बढ़ता जा रहा है, घटता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आप मेडिकल स्टोर 10 घंटे खोल के की बजाय 15 घंटे खोलेंगे, 10 घंटे में 20,000, तो 15 घंटे में स्टोर कितना कमा के देगा? 35,000, क्योंकि ग्राहक ज्यादा आएंगे। आप परचून की दुकान 10 घंटे खोलेंगे उसको कमाएगी 20,000, और 15 घंटे खोलेंगे तो कितनी कमाएगी? 25,000, क्योंकि 5 घंटे और खोलेंगे तो कुछ ग्राहक और आएंगे। मतलब इंसान के जीवन में जैसे जैसे समय बढ़ता है ऐसे ऐसे पैसा बढ़ता है। मैं इस बिजनेस को क्यों करता हूं ना, बस ये क्यों मैं आपको समझा रहा हूं, अगर ये आप समझ गए ना तो आज के बाद यही बिजनेस आप करोगे और आपको लगेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा काम मेरे हाथ में आ चुका है। सर, टाटा को जानते हैं आप? टाटा का 1 लाख करोड़ का एम्पायर है। कितने का एम्पायर है? 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़ का, 1 लाख करोड़ के एम्पायर को चलाने के लिए टाटा ने 1 लाख आदमियों को रखा हुआ है। इंटू इनका 8 घंटे टाइम लिया हुआ है, यस, इंटू इनकी सैलरी देता है, इंटू इन्हें टैलेंट भी इनका पूरा खरीदा हुआ है, क्लियर है? तनखा देखे, मतलब आज 31 जनवरी की सुबह हुई, मेरा दिन है 24 घंटे का, लेकिन टाटा का दिन कितने घंटे का है? 1 लाख इंटू 8, 8 लाख घंटे का, कितने का है? 8 लाख। अगर 8 लाख घंटे को सर हम 24 घंटे से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 33,333 दिन, और 3,333 दिन को अगर हम 365 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 90 साल। मतलब जो पैसा हम पूरी जिंदगी मेहनत करके नहीं कमाते, टाटा एक दिन में कमाता है, क्योंकि सर 1 लाख आदमी इसके लिए टाइम देते हैं, 1 लाख आदमी इसकी मैन पावर है जो इसके वाला काम करते हैं, और 1 लाख आदमियों को टैलेंट इसके साथ है, अलग अलग तरह का, भिन्न भिन्न तरह का। पैसे वाला बना, मेरा दिन 24 घंटे का, इसका दिन 8 लाख घंटे का। आज सोचो सर, क्या मेरे पापा ने मेहनत नहीं की? क्या मेरे दादा ने मेहनत नहीं करी? क्या उनके अंदर पसीना बहाने की शक्ति नहीं थी? अरे सब दिनों रात खेतों में मेहनत करी, फैक्ट्रियों में, नौकरियों में चढ़े मेरे माँ बाप, खूब मेहनत करी, पर हमारी पीढ़ी में आज तक कोई बड़ा आदमी क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि मैन पावर का फॉर्मूला किसी के पास नहीं है। क्योंकि सर समझिए, ये जो मैन पावर है ना, इसकी दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत है। ये सेल या परचेस होती है, खरीदी या बेची जाती है, मुफ्त में नहीं मिलती। एक मजदूर आपको मैन पावर के रूप में चाहिए तो 200 रुपए मांगता है, शाम को देने पड़ेंगे। हाँ हाँ, है ना, देने पड़ते हैं। बिजली वाला 300 रुपए मांगता है, प्लम्बर 400 रुपए मांगता है। दुनिया में आपके लिए कोई काम करने के लिए बिना पैसे के तैयार नहीं है। अब हमने कही थी कि मैन पावर सक्सेस है। चलो सर, मैं पहले दोबारा एक बात पे आता हूं। आपके पास 1,000 एकड़ जमीन है, आदमी नहीं है काम करने के लिए, जमीन किसी काम की? आपका 500 करोड़ का होटल है रोहतक में, 10 लोगों का स्टाफ नहीं है, वेटर कुक कोई नहीं है, ये होटल किसी काम का नहीं? आप तो कहते हो पैसे से पैसा बनता है। आपकी एफडी बैंक में जमा करने वाला कोई नहीं है, और आपके घर से पैसा लेके बैंक में जाने वाला कोई नहीं है, और वहां जमा होने के बाद उसे संभालने वाला कोई नहीं है। विदाउट मैन पावर एफडी डबल हो सकती है क्या? इसका मतलब जरूरी क्या है? 1,000 एकड़ जमीन, 500 करोड़ का होटल, या इन्हें चलाने वाले लोग? मैन पावर। सक्सेस क्या है? 100%। अब ये जो मैन पावर है ना, इसकी दिक्कत क्या है? ये खरीदी और बेची जाती है। मेरे पापा दादा ने बहुत मेहनत करी, पर वो कभी भी ये फॉर्मूला अपनी जिंदगी में क्यों नहीं ला पाए? क्योंकि मैन पावर खरीदी और बेची जाती है। टाटा के पास इतना पैसा है कि वो सैलरी देख के 1 लाख आदमी को नौकरी पे रख सकता है, 8 घंटे ले सकता है, टैलेंट ले सकता है, पर कुलदीप मुदगिल के पास, संजीव कुमार के पास, अशोक कुमार के पास इतना पैसा नहीं है। क्योंकि जो आप 15,000 कमाते हो भाई, उसमें आप ही का घर नहीं चलता, तो आप 50,000 लोगों को पैसा कहां से दे दोगे? ये तो हुआ हमारे दादा के साथ, ये तो हुआ हमारे पापा के साथ। दिनों रात उन्होंने मेहनतें करी, दिनों रात मेहनतें करी, लेकिन पैसे वाले क्यों नहीं बने? क्योंकि मैन पावर के रूप में अकेले थे, एक ही दिन जीते थे। टाटा की तरह 90 साल का, 90 साल एक दिन में नहीं जीते थे, क्योंकि वो नहीं खरीद पाए, ना हम खरीद पाएंगे। तो सर जब किसी ने मुझे नेटवर्क नहीं समझाई ना, बात ही एक ही क्लिक करी, मेरे कोई 9,000 प्रोडक्ट कोई खास क्लिक नहीं किया। मुझे किसी ने बताया भाई तू 8,950 लगा दे, भाई ले जा, हेल्थ के प्रोडक्ट है, आ जाएंगे, खा पी लेंगे। फिर उसने कहा भाई 2 आदमी जोड़ दे, 3 आदमी जोड़ दे, 2:1 कर दे, 2500 रुपए आ जाएंगे। ये भी मुझे क्लिक नहीं किया, क्योंकि 3 आदमी मैंने जोड़े, मुझे 2500 रुपए आ जाएंगे। लेकिन जब उसने मुझे ये बताया कि तेरा A2 जोड़ेगा, तेरा C2 जोड़ेगा, तो तुझे 4 2000,
अब ये 4-8 को जोड़ेंगे तो तुझे 4,000, या 8-16 को लाएंगे तुझे 8,000, 16-32 को लाएंगे तुझे 64,000, 32 इतने को लाएंगे तुझे 1,28,000, और ये काफिला बढ़ता जाएगा। मैंने कहा साहब भाई साहब रुको, मुझे एक बात बताओ, ये 2 लाएगा, ये 2 लाएगा मुझे 2,000, ये 8 लाएंगे तो मुझे 4,000, तो मुझे अपने कितना हिस्सा देना पड़ेगा? इन्हें कुछ तो देना पड़ेगा ना, ऐसे कौन लाएगा? बोला भाई साहब 1 रुपया नहीं देना, ये काम अपने लिए करेंगे, पैसा तुम्हें आ जाएगा। मैं बोला क्या? बोला यस, ये तो इस बिजनेस की खूबी है, ये काम अपने लिए करेंगे, पैसा तुम्हें आ जाएगा, क्योंकि ये दुनिया का एक ऐसा काम है जो इक्वल प्लेटफॉर्म पे लोग करते हैं, सब एक ही मकसद के लिए लड़ते हैं, सब एक ही पैसे के लिए लड़ते हैं, सबको एक जैसी सफलता मिलती है, तो यहां सौदेबाजी नहीं होती। साहब मैं घूम गया, मैं ये पूरा देखने के बाद ये समझ रहा हूं, मेरे दादा पापा दिख रहे हैं यार, वो अकेले लगे हुए थे, और मुझे 9,000 रुपए में काम शुरू करके हजारों लोग मिल सकते जो मेरे लिए काम करेंगे। उसने कहा ज्यादा छोड़ दे, तेरी 5,000 की टीम इधर और 5,000 की टीम अगर इधर आ जाती है, और इसमें से मात्र 500 इधर काम करते और 500 इधर काम करते हैं, और ज्यादा नहीं टाटा की तरह 8-8 घंटे, अगर 1,000 आदमी तेरे लिए 8-8 घंटे काम करते तेरा काम होता है 8,000 घंटे। कितने घंटे? 8,000 को 24 से डिवाइड करो, रिजल्ट आता है 333 दिन, कि जो पैसा कुलदीप तू एक साल में कमाता है ना, ये एक दिन में कमाने लगेगा। तो सर आज आप देख ही रहे हो, मेरी इनकम देखो बढ़ गई, मैं 15,000 कमाता था, ये देखो आज मेरे चेक इस महीने के, क्योंकि मैं नहीं कमा रहा सर, मैन पावर, ये फॉर्मूला आ गया ना तो इनकम अपने आप आ जाती है। ये मेरे लिए आपके लिए बताना बहुत जरूरी था। अब मैं आपको अपनी अप्लाई करके चेक दिखाता, ये देखो मेरा अप्लाई क्या चेक है, मेरे चेक देखो, मैं आपको ये तो आपने पैसा देखा, अब मैं आपको थोड़ी इज्जत और रिस्पेक्ट दिखाता हूं। अभी हमारा मेगा शो हुआ था, पैसा सर बहुत कमाता है इंसान, लेकिन रिस्पेक्ट देखो यहां क्या मिलती है, ये देखो ये ग्लिम्स, ये देखो सर माला फूल इज्जत, ये देखो सर मेरे को देखो क्या रिस्पेक्ट सर, पैसा भी मिले, इज्जत भी मिले, शोहरत भी मिले, मान सम्मान भी हो, अपने इमोशंस, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल मिले, अच्छी जिंदगी मिले, ऐसा कोई बिजनेस है क्या सर दुनिया? करना चाहते हो सर? दिल से करना चाहते हो या दिमाग से? दिल से। पक्का? यस सर। पक्का? यस सर। तो सर एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, शुरुआत आज से करेंगे। बोला काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परल होगी बौरी करेगा कब, कल कभी आता नहीं है। सर एक हमारी लिस्ट बुक है, इसे खरीदो, 30 रुपए दो, मैं करूंगा आपके साथ काम, जब तक आप सीख नहीं जाते, क्योंकि डू डोंट्स बता दें, पहले ही बता देने थे, ठीक है ये है, यहां बताओ जा काटो, यहां बताओ अप्लाई चेक क्लिप, यहां मोटिवेट हो जाएगा, वो पूरा मोटिवेट हो जाएगा। अब यहां बताओ डूज और डोंट्स, ठीक है। तो अब मैं आपको बता देता हूं लोग नाकामयाब क्यों होते, आपको कुछ नहीं करना, कुछ नहीं बताना, मैं आपके साथ काम करूंगा, कुछ डूज है कुछ डोंट्स है, मतलब आप इसी बात को अगर 1 घंटे में जो मैं आपको समझाइए 1 मिनट में बताओगे कोई आएगा? आप हारोगे पता है कब? जब आपको आधी अधूरी नॉलेज लेके जाओगे, 20 लोगों को बताओगे या कुलदीप कह रहा था ये है वो है मैन पावर है इमोशन है ये पूरे हो जाएंगे, और आप जाओगे आप भाई जुड़ जा रहा है इसके प्रोडक्ट से 10,000 रुपए लगाने, 2 आदमी जोड़ दिए, वो बोलेगा मुझे नहीं जुड़ना, वो बोलेगा मुझे नहीं जुड़ना, 25 लोग बोलेंगे, उसके बाद बोलेगा अरे बेकार धंधा यार काय का धंधा। तो सर ये डूज डोंट्स बताता हूं, इसे मत करना, ये 30 रुपए की लिस्ट बुक पकड़ो, 20 खास आदमियों के नाम लिखो, अपॉइंटमेंट फिक्स करो, आज से लेके अगले 4 दिन के अंदर ये 20 आदमी अपने को खत्म करने हैं, जिन्हें अपने को समझाना है, और आपका बिजनेस डेवलप हो जाएगा। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, आप टाइम लोगे सिर्फ, काम मैं करूंगा, ठीक है सर? तो देखो आज इनमें खास खास ऐसे चेहरे देखो जो आप जाओ और आपका चेहरा देखते देखते पैसा दे दे, शुरुआत ऐसे लोगों से करेंगे, क्योंकि इनसे कुछ चेक बन जाएंगे, कुछ आइडेंटिफिकेशन बन जाएगी, पहचान बन जाएगी, फिर इन्हें देखा धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, मैं साथ साथ काम करूंगा, साथ साथ आपको सिखाता रहूंगा, ठीक है सर? तो चलो बताओ सर, फोन करो किसी को जो आपका सबसे खास है, देखो कब टाइम दे रहा है, ठीक है सर? ओके थैंक यू।